हिंदुस्तान में आज से एक नई इंटरनेट क्रांति का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विस यानी मोबाइल फोन की 5वीं जेनरेशन को लॉन्च कर दिया। अब इंटरनेट सुपर फास्ट स्पीड में चलेगा। पलक झपकते ही आप अपने वीडियो को सेकंड्स में डाउनलोड कर सकेंगे। 5G सर्विस एडुकेशन से लेकर हेल्थ और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। पहले फेज में देश के 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, लेकिन आज बहुत लोगों के मन में यह सवाल जरूर बना हुआ है कि 5G के फायदे क्या क्या होंगे, वो आगे हम आपको बताएंगे। आज लॉन्चिंग हो चुकी है और कुछ ही दिनों के अंदर आम जनता इस सर्विस का फायदा उठा पाएगी। 5G सर्विस को लॉन्च करने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और देखिए, ये ड्राइविंग इसके जरिए कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कह भी रही थी कि सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी इसके जरिए लाई जा सकती है, और उसी का यहां पर एक नमूना पेश है आपके सामने। प्रधानमंत्री खुद इसका टेस्ट लेते हुए कि ये अलग अलग क्षेत्रों में कैसे काम करेगी। लगातार जो हम जिक्र कर रहे हैं कि इससे किस तरह से क्रांति आएगी भारत के भीतर, कैसे बदलाव आएंगे, वो तस्वीरें सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद ट्राई करते हुए, टेस्ट करते हुए कि कैसे 5G सर्विस काम करेगी। हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं, और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहाँ पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज है, जहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टो लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पर एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है कि कोई हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उसका उनको कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री इस वक्त एरिक्सन के जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अब उसका एक डेमो दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे रिमोटली जो गाड़ी है उसको ऑपरेट किया गया, और अब ये फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, इसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर को बनाने के लिए, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना था, लेकिन समय की कमी की वजह से अब शायद अगले स्टॉल की तरफ प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 5G का लॉन्च होना है। $450 बिलियन की हम बात कर रहे हैं 2035 तक इंडिया के GDP में। और हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त इसी कार्यक्रम में मौजूद हैं। पवन का सीधा रुख कर लेते हैं। पवन, जैसा कि लगातार 5G के फायदे भी गिना रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आएगा, भी हम सुन भी रहे थे, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे शिक्षा हो, एडुकेशन हो, हर क्षेत्र में 5G बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको वो तस्वीर जरा बता दूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार की सीट पर बैठे नजर आए थे। वो कार सीधे स्वीडन से कनेक्टेड थी और वो कार स्वीडन में खड़ी थी, और प्रधानमंत्री यहाँ दिल्ली में बैठकर उस कार को चला रहे थे जिसमें लैग नहीं था, लेटेंसी नहीं थी। जो कमांड यहाँ से दी जा रही थी वो स्वीडन में एग्जीक्यूट हो रही थी, और यही 5G के फायदे जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के टेस्ट के सिनेरियो में ये हो सकता है कि ऐसी माइनिंग जहाँ पर किसी इंसान का होना खतरे का हो, वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रोबोटिक गाड़ियाँ या ड्रिलिंग मशीन भेजी जा सकती है। डिफेंस फोर्सेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है कि जहाँ आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ हमारे सैनिक को खतरा हो सकता है, तो वहाँ इस तरह के रोबोटिक वाहन जा सकते हैं। ये सब हो पाएगा 5G के जरिए। तो प्रधानमंत्री उसी का डेमो ले रहे हैं। ये अलग अलग स्टॉल्स में जाकर प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि टेस्ट केस सिनेरियोज क्या हैं, कि अगर कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए, लेटेंसी कम हो जाए, तो किस तरीके से जिंदगी बदल सकती है। कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, तो बहुत सारा डेटा है। अभी तक सरकारों को ये ही नहीं पता होता था कि उनके जो पैसे हैं वो कैसे खर्च हो रहे हैं, एंड यूजर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। उनका मान लीजिए हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ डेटा नहीं है। अब अगर पूरे देश का हेल्थ डेटा कंपाइल कर लिया जाए तो वो हेल्थ डेटा सॉर्ट करना और उससे यूजेबल इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो गवर्नेंस में भी उसका इस्तेमाल है। इसके अलावा 5G की एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 5G को अगर डिप्लॉय कर दिया जाए, और टेस्ट केस सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं, 19 में से एक टेस्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर देश में गोडाउन में
कितना अनाज सड़ रहा है ये पता करना, अगर आज के दिन पता करना हो तो एक बहुत भारी भरकम सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन आप FCCI के गोदाम में मॉइस्चर सेंसर्स और बाकी सब सेंसर्स अगर इंस्टॉल करें तो आप रियल टाइम ये पता कर सकते हैं कि भारत के गोदामों में कितना अनाज है, कितना बेहतर कंडीशन में है, कितना सड़ चुका है, वो रियल टाइम आपको पता चलेगा। तो आपको सिर्फ सेंसर करने हैं। और आज के दिन अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिसमें कंप्यूटर तय करता है कि किस तरह से सही है या गलत है, उसमें एक लंबी एल्गोरिदम होती है, बड़ा डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो अगर कोई आर्टिफिशियल सेंसर लगाया जाए तो वो इतना डेटा ग्राउंड पे प्रोसेस नहीं कर सकता, वो डेटा भेजेगा सर्वर को, सर्वर पे प्रोसेस होगा, उसके बाद जो ग्राउंड स्टेशन है वो फैसला लेगा। तो इस डेटा ट्रांसफर में भी 5G बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक वाइडर ब्रॉडबैंड नेटवर्क की जरूरत थी जो 5G उपलब्ध करवाएगा। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब ये डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर है जिसमें इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है, इस मौके का फायदा उठा सकता है और 5G वो टूल हो सकता है जो इस डिजिटल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।